कि हर आने वाला सफीर अल्लाह और उसके रसूल का मेहमान होता है। कभी भी उनको जिल्लत की नजरों से न देखो। मेरे भाइयों, तुम्हारी मस्जिद और तुम्हारे दर पर आने वाला कभी तो मुहद्दिस होता है, कभी मुफस्सिर होता है। और ये वाकया मेरे सामने खुद पेश आया है। मैंने कई मस्जिदों के अंदर तस्किरा किया था। रमजानुल मुबारक के महीने में एक बेचारे सिंगल बॉडी के आलिमे दीन थे। दिखाई देने में लगता था कि ये मदरसे ने इनको खाली चंदे के लिए रखा। चंदा करते होंगे तो हर महीने में इनको सैलरी मिल जाती होगी, तनख्वाह मिलती होगी। रमजानुल मुबारक का महीना, इन्होंने ऐलान किया। सीधा साधा आदमी, रुमाल था, कलर रुमाल वो डाल रखा था, और पायजामा एक ऊंचा और एक नीचा था। इतना बेचारा सादा आदमी, उसने इफ्तार किया। इफ्तार करने के बाद ऐलान किया, वो दरवाजे पर बैठ गया। अखीर अखीर में हम दो तीन निकले तो मैंने देखा कि कुछ रकम थी। फिर बाद में जो इफ्तार के बाद जो थाल के अंदर कुछ टुकड़े बच जाते, वो पापड़ी वगैरह और केले के टुकड़े थे कुछ, वो बेचारे एक प्लेट में रख करके कोने में बैठ गए लेकर के, और वो खाने लगे। तो मैंने पूछा कि भाई आपके खाने का किसी ने कहा है तो काम? नहीं, मेरे लिए काफी है ये, मैं खा के दूसरी मस्जिद में चला जाऊंगा। तो फिर मैंने बातों बातों में ये पूछ लिया कि आप इस मदरसे में क्या खिदमत अंजाम देते? उस अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला 19 साल से तिरमिजी शरीफ की खिदमत मुझसे ले रहा, तिरमिजी शरीफ की खिदमत ले रहा है। मिश्कात शरीफ मैंने 10 मरतबा पढ़ाई। हिदायत सानी और हिदायत सालिस और राबे, ये तीन किताबें उलमा पहचानते हैं, जानते हैं कि तीसरा वॉल्यूम और चौथा वॉल्यूम हिदायत का कैसा है। मैंने 10 मरतबा पढ़ाई है। ऐसे लोग हमारे दर पे आते हैं, हम समझते हैं कि ये कोई बेचारा नौकर आ गया। इज्जत दो मेरे भाइयों, इज्जत दो। न देना है तो नहीं, गुंजाइश नहीं तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। वो बेचारे अपने लिए कभी सवाल नहीं करते। जब कभी भी चंदा वाला मेरे भाइयों रमजान के अंदर, चाहे हमारा मकान ही आए चाहे बाहर का आए, अगर गुंजाइश हो तो दे दो, बाकी इनको सुनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने कुछ दो बोल कह दिए तो यही दो बोल आपके लिए जहन्नम का फैसला कर देंगे। इसलिए इसे बहुत एहतियात करना चाहिए।